और गेम भी समझ आने लगी आशकी तो जैसे आप कह रहे हैं तो चल ही रही थी <laughs> आशकी के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी यूज़ किया और टॉप फोर में आया पर पुनीश का अगर असली गेम की बात करूं तो बंदगी के जाने के बाद ही कहीं ना कहीं क्योंकि आशिकी से हट कर आपने गेम खेलना चालू किया तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ऐसा नहीं है गेम मैं शुरू से ही खेल रहा था और बिग बॉस एक ऐसा गेम है अगर आप इसमें गेम नहीं खेल रहे तो आप पहले हफ़्ते में दूसरे हफ्ते में तीसरे हफ्ते में किसी भी हफ्ते में जा सकते हैं घर से पर मैं नौवे हफ्ते तक बंदगी वहाँ रही गेम मेरी चल रही थी ऑन एंड ऑफ़ पर डेफिनेटली कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा बंदगी पे ही था और उनके जाने के बाद फिर मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए सोचा कुछ नहीं है तो गेम ही खेल लो <laughs> अच्छा कुछ नहीं बहुत कुछ घर वाले लोग ने ऑलरेडी प्लान करके रखा था कि शिल्पा के साथ बंदगी के जाने के बाद वो शिल्पा के साथ आप नज़र आएंगे पर एक दोस्ती बहुत खास नज़र आई आप दोनों के बीच में उसके बारे में क्या कह रहे शिल्पा से मेरा रिलेशन एक शिल्पा मेरी बड़ी बहन की तरह है और ये रिश्ता भी मैंने बिग बॉस में ही आके कमाया है बंदगी के अलावा शिल्पा के साथ रहने का कोई मोटिव नहीं था मेरा पर डेफिनेटली लोगों ने कौना करते थे क्योंकि वो शायद एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं तो उनका नेचर ऐसा है कि वो सबको खाना खिलाती हैं और लड़ भी लो तो बहुत स्वीट हैं वो तो ऑब्वियसली ऐसे स्वीट इंसान से आप ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते मतलब ये बात भी कहीं ना कहीं सच है किचन पे राज करो तो आप बिग बॉस पे अपने आप राज कर ही लेते हो क्या नहीं मैं ये नहीं सोचता कि किचन पे राज करो किचन का, का काम सबसे मुश्किल काम है वो होता है ना जैसे हाउस वाइफ होती है घर पे और उसके बाद रात को पति आता है अरे तुमने पूरे दिन करा ही क्या है कुछ नहीं करती तुम पर वो सारा काम करती है उनसे पूछो ना किचन में कितनी मेहनत होती है उन्नीस लोगों का खाना बनाना कोई मजाक काम था कौन करेगा ऐसा खाना भी बनाती थी शिल्पा शिंदे बर्तन भी धोती थी शिल्पा शिंदे झाड़ू भी लगाती थी बाथरूम भी साफ करती थी सब करती थी वो ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा आपको Okay, जैसे अगर कोई भी अंदर आए बिग बॉस हाउस में और कॉन्ट्रोवर्सी में ना फंसे ये तो हो ही नहीं सकता बाहर भी काफ़ी न्यूज़ आ रही थी आपकी शादी को लेकर बच्चे को लेकर तो क्या कहना चाहेंगे उस न्यूज़ में कितनी सच्चाई मैं खुद ही बच्चा हूँ मेरा बच्चा कोई नहीं है ना है ना अभी प्लान है कुछ करने का और शादी मेरी हुई थी और वो शादी नहीं चली और वो ख़त्म हो गई अच्छा घर के बाहर किन के साथ आपकी दोस्ती इसी तरह बरकरार रहने वाली क्योंकि बिग बॉस हाउस के बाद दोस्ती बहुत कम नजर आई है शिल्पा शिंदे आकाश दादलानी गाय uh, विकास गुप्ता अच्छा फाइनली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अब आपके बैक टू बैक देखने के लिए इंतजार में हो जल्दी आप मुझे दोबारा देखेंगे ज़्यादा लंबी ब्रेक नहीं लूंगा इस बार पहले की तरह एंड आई की